नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। बस एक बार पिए रात को सोते समय और पाचन शक्ति को बढ़ाएं 300%। कब्ज, पेट में गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग और अपचन जैसी समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे काढ़े को पीने की विधि और बनाने की विधि के बारे में बताएंगे जिसका प्रयोग करके आप अपने पाचन तंत्र को मजबूत बना सकते हैं और शरीर की हर बीमारी से बचे रह सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा पाचन तंत्र का मजबूत होना बेहद अधिक जरूरी है। पाचन तंत्र मजबूत होगा तो खाया पिया हमारे शरीर में लगेगा और हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। अगर आपको जीवन भर स्वस्थ रहना है तो आपका पाचन तंत्र को मजबूत होना ही होगा। बिना अच्छे पाचन तंत्र के किसी भी व्यक्ति का मोटा होना तो दूर, स्वस्थ रहना भी मुश्किल है। दोस्तों, हमें कई ऐसे लोग देखने को मिल जाते हैं जिनका शरीर बहुत ही कमजोर होता है। ऐसा नजर आता है जैसे इनको खाने को कुछ मिलता ही नहीं, लेकिन ऐसे लोग सबसे अधिक खाना खाते हैं, पर वह खाया हुआ खाना उनके शरीर में नहीं लगता और इसका सबसे बड़ा कारण है उनकी मशीन यानी पाचन तंत्र का ठीक न होना। और दोस्तों, यह तो आप जानते ही हैं, जब हमारी मशीन ही खराब होगी तब हमारा शरीर निरोगी कैसे रह सकता है। और बिना पाचन तंत्र के आप कमजोरी को दूर नहीं कर सकते। आपको जो भी व्यक्ति अच्छे शरीर वाला दिखता है, जिसको देखकर उसकी पर्सनैलिटी झलकती है, तो समझ ले कि उसका हाजमा दुरुस्त है। अच्छा स्वास्थ्य बेहतर पाचन तंत्र की निशानी है। दोस्तों, अगर आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं है या आपका वजन बहुत अधिक कम है तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, पाचन तंत्र हमारे भोजन को एनर्जी में बदलकर हमारे शरीर को शक्ति और पोषण देता है, जिससे हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनती है और हम बहुत तरह के रोगों से बच जाते हैं। अगर यह पाचन तंत्र खराब हो जाए तो हम जो कुछ भी खाते हैं उसे सही ढंग से पचा नहीं पाएंगे, जिस कारण हमारी बॉडी को जरूरी विटामिन और मिनरल नहीं मिल पाएंगे और जिसके कारण हमारा शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा और इससे हमारा इम्यून सिस्टम भी बिल्कुल काम करना बंद कर देगा और इसी की वजह से हमारा जो शरीर है वो बीमारियों का घर बन जाता है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जो काढ़ा लेकर आए हैं वो ना सिर्फ आपके पाचन तंत्र को मजबूत करेगा बल्कि आपके शरीर की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाएगा, जिससे कि आप सभी तरह की बीमारियों से बचे रहेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि पाचन तंत्र के खराब होने के कारण क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। एक ही जगह पर घंटों तक बैठकर काम करना, फास्ट फूड या जंक फूड अधिक खाना, दिनचर्या का सही न होना, पूरी नींद नहीं लेना, काम या किसी बात को लेकर तनाव का होना, शारीरिक श्रम कम करना, खाने पीने में कमी करना, बहुत कम मात्रा में पानी पीना, शराब और सिगरेट का अधिक सेवन करना या अधिक मात्रा में भोजन करना, अनियमित भोजन करना और देर रात तक जगे रहना। दोस्तों, इन सब वजह से आपका पाचन तंत्र खराब होता है। अब ये तो हो गए कि ये कारण है, अब आपको पता कैसे लगे कि आपका पाचन तंत्र कमजोर है, जिसको आपको मजबूत करने की जरूरत है। तो आइए जानते हैं उनके बारे में कि आपको पता कैसे लगेगा। दोस्तों, यदि आपको बदहजमी है तब आपका पाचन तंत्र कमजोर है। यदि आपको कब्ज की शिकायत है तब भी आप समझ लीजिए कि आपका पाचन तंत्र कमजोर है। यदि आपको अपच है तब भी समझ लीजिए कि आपका पाचन तंत्र कमजोर है। एसिडिटी की समस्या रहती है या पेट से जुड़ी कोई और समस्या है या सीने में जलन रहती है या डायरिया की प्रॉब्लम है, तब आपको समझ जाना चाहिए कि आपका पाचन तंत्र कमजोर है और आपको इस काढ़े का सेवन करना चाहिए। आइए अब दोस्तों आपको बताते हैं उस काढ़े के बारे में जिसके रात को सोते समय लेने से आपका पाचन तंत्र 300% मजबूत हो जाएगा, 300 गुना बढ़ जाएगा। तो आइए जानते हैं इस काढ़े के बारे में। दोस्तों, इस काढ़े को बनाने के लिए आपने 2 कप पानी यानी 1 गिलास पानी लेकर एक बर्तन में आग पर उबलने के लिए रख देना है। जैसा कि आप ये देख रहे होंगे कि हमने 1 गिलास पानी लेकर आग पर उबलने के लिए रख दिया है और अब इसमें आपने डालनी है लौंग। लौंग डालनी है आपने 5। दोस्तों, आयुर्वेदिक दवा लौंग जीवाणुरोधी, एंटीसेप्टिक का काम करती है और हमारे शरीर को बहुत तरह की बीमारियों से बचाती है। और जो दूसरी इसमें सामग्री आपने डालनी है वो
डालनी है दोस्तों काली मिर्च, और काली मिर्च भी डालनी है आपको 5। दोस्तों काली मिर्च हमारे भोजन का स्वाद ही नहीं बढ़ाती बल्कि बहुत तरह की बीमारियों का इलाज भी करती है। जो तीसरी सामग्री आपने इसमें डालनी है इस काढ़े को बनाते समय, वो डालनी है अजवाइन, और अजवाइन डालनी है आपने 1 चम्मच। दोस्तों हम अजवाइन को तो भूल ही नहीं सकते, यदि हम पेट से जुड़ा कोई भी काढ़ा बना रहे हैं जिससे कि पेट की बीमारियों का इलाज हो। अगली जो सामग्री इसमें आपने डालनी है वो डालनी है दोस्तों सौंफ, और सौंफ डालनी है 1 चम्मच। दोस्तों लाजवाब औषधि सौंफ मसालों का राजा है। सौंफ के औषधीय गुणों को हर कोई जानता है और बहुत तरह की बीमारियों में सौंफ से इलाज किया जाता है। दोस्तों अगली जो सामग्री इसमें आपने डालनी है वो डालनी है दोस्तों तुलसी, और तुलसी की डालनी है 3 से 4 पत्तियां। दोस्तों तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जो हर घर के आंगन में पाया जाता है और जिसके बहुत तरह के फायदे होते हैं। अगली जो सामग्री इसमें आपने डालनी है वो डालनी है दोस्तों दालचीनी, और दालचीनी डालनी है आपने 1 चुटकी। आपने घर के मसालों की रानी दालचीनी का उपयोग तो बहुत बार किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दालचीनी अपने आप में ही एक रामबाण औषधि है, और दोस्तों दालचीनी अकेले ही आपके शरीर की हर बीमारी को दूर करने की क्षमता रखती है। लेकिन यदि आप इसे काढ़े में प्रयोग करेंगे तो उस काढ़े की अहमियत और भी 50 गुना अधिक बढ़ जाती है। अगली जो सामग्री आपने इस काढ़े में डालनी है वो डालनी है दोस्तों अदरक, और अदरक डालना है आपने 1 छोटा टुकड़ा। दोस्तों अदरक को अधिकतर मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें मौजूद एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी बॉडी को हेल्थी रखने में मदद करती है। और अगली जो इसमें सामग्री आपने डालनी है दोस्तों वो डालनी है इलायची, और इलायची डालनी है आपने 2। दोस्तों छोटी इलायची नाम में छोटी होती है लेकिन गुणों में बहुत बड़ी है, और बहुत तरह की बीमारियों खासकर पेट के बीमारियों में तो ये एक रामबाण औषधि है। तो दोस्तों आपने इन सब सामग्री को डालकर इस काढ़े को तब तक उबालना है जब तक कि आपने 2 कप पानी लिया था और वो 1 कप ना रह जाए, और जब पानी उबल उबल कर 1 कप रह जाए तब आप इसको आग से उतार लें और छान लें। दोस्तों ये है आपका काढ़ा। तो इस काढ़े का आपने सेवन करना है, और दोस्तों इस काढ़े का सेवन आपने रात को सोते समय करना है, और इसको लेने के बाद आपने कुछ और नहीं खाना पीना है, यानी इसके बाद आपने कुछ भी खाना या पीना नहीं है, और इस काढ़े को लेने से पहले आधे घंटे पहले तक आपने कुछ भी खाया या पिया हुआ नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगे, इस काढ़े का हर रोज रात को सोते समय सेवन करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी पाचन शक्ति मजबूत हो जाएगी और आपको कभी पेट में गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, अपच जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों देर किस बात की है, आप भी आज ही इस काढ़े को अपने घर पर बनाएं और इस काढ़े का प्रयोग करें और अपने शरीर को बिल्कुल निरोगी बना दें, हर तरह की बीमारी से मुक्त। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।